अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 टॉपिक नंबर 5 इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फंजाई आर इम्पोर्टेंट प्लेयर्स इन इकोनॉमिक गेंस एज वेल एज लॉसेस। कह रहे कि ये इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं इकोनॉमिक गेंस में, बेनिफिट्स में भी और इकोनॉमिक लॉसेस में भी। दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम। कह रहा है कि ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिसाइकल करते हैं इकोसिस्टम में। दे फॉर्म सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स विद प्लांट्स एडिंग न्यूट्रिएंट अपटेक। उसके अलावा कह रहा है कि ये प्लांट्स के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना लेते हैं और प्लांट्स को हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट अपटेक में। फंजाई आर सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, इंजाइम्स एंड फूड, मशरूम एंड यीस्ट। कह रहा है कि ये एंटीबायोटिक का सोर्स भी हैं, इंजाइम्स का भी सोर्स हैं और फूड का भी। दे आल्सो हैव वाइटल रोल इन रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी एंड एज इंडिकेटर ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ। कह रहे हैं उसके अलावा इनका इम्पोर्टेंट रोल है रिसर्च में भी, बायोटेक्नोलॉजी में भी और ये इन्वायरमेंटल हेल्थ के इंडिकेटर्स भी हैं। फंजाई कॉज डिजीजेस इन ह्यूमंस, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। कह रहे हैं उसके अलावा जो फंजाई हैं ये ह्यूमंस में, प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीजेस भी कॉज करते हैं। दे कॉज ह्यूज एग्रीकल्चरल डैमेज एवरी ईयर। उसके अलावा ये बहुत सारा एग्रीकल्चर डैमेज भी करते हैं हर साल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ यीस्ट। यीस्ट इज रिनाउंड फॉर इट्स पिविटल रोल इन बेकिंग एंड ब्रूइंग ड्यू टू इट्स रिमार्केबल एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम शुगर्स सच एज ग्लूकोज बाय फर्मेंटेशन वेर इट लीवंस डो एंड फर्मेंट्स शुगर्स टू क्रिएट ब्रेड बियर एंड वाइन। जो यीस्ट है जो एक पॉपुलर फंजाई है, कह रहा है कि ये जाना जाता है अपने रोल की वजह से बेकिंग में और ब्रूइंग में, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये प्रोड्यूस करता है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड शुगर से लाइक ग्लूकोज से थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। और जब ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड तो ये क्या करता है कि ये जो डो है उसको फर्मेंट करता है और क्या करता है, और जो शुगर्स है उनको फर्मेंट करता है और ब्रेड बनाता है बियर एंड वाइन। इट आल्सो हैज ग्रेट एम्प्लीकेशन इन जेनेटिक रिसर्च सर्विंग एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। अच्छा, जीनेटिक रिसर्च में भी इसका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर यूज होता है साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में। इट्स सिंपल येट एलिगेंट बायोलॉजी, जीनेटिक ट्रैक्टेबिलिटी एंड रिजेंबलेंस टू ह्यूमन जीन्स हैव अनलॉक्ड इनसाइट इनटू फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। कह रहा है कि इसका अल्दो इसका जो सिंपल है बट जो एलिगेंट बायोलॉजी है और जो जीनेटिक ट्रैक्टेबिलिटी है एंड जो रिजेंबलेंस है ह्यूमन जीन से, उसने बहुत सारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की जो इनसाइट है उसको अनलॉक किया है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रूइंग। यीस्ट पार्टिकुलरली सैक्रोमाइसिस सीरीवाइसी कन्वर्ट शुगर फ्रॉम माल्टेड ग्रेन्स और अदर सोर्सेज इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि यीस्ट खास तौर पे जो स्कैरोमाइसिस सीरीवाइसी है ये कन्वर्ट करता है शुगर को इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस फर्मेंटेशन गिव राइज टू द डाइवर्स फ्लेवर्स अरोमास एंड अल्कोहल कंटेंट इन बियर एंड वाइन एंड आल्सो टू मेकिंग ब्रेड। कह रहा है कि ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है ये क्या करता है, डाइवर्स फ्लेवर्स अरोमास अल्कोहल कंटेंट इन बियर एंड वाइन क्या करता है, बनाता है। नेक्स्ट है बेकिंग। इन ब्रेड मेकिंग यीस्ट एक्ट एज अ लीवनिंग एजेंट। व्हेन यीस्ट कंज्यूम शुगर एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट गेट्स ट्रैप्ड विद इन द डो कॉजिंग इट टू राइज। कह रहा है कि जब यीस्ट शुगर को कंज्यूम करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है जो कि ट्रैप हो जाती है डो के अंदर और उसको क्या कर देती है, राइज कर देती है। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन दी फ्लफी एरी टेक्सचर ऑफ ब्रेड। इस प्रोसेस की वजह से जो ब्रेड का एरी या फ्लफी टेक्सचर है वो आता है। यीस्ट एबिलिटी टू प्रोड्यूस गैस इज आल्सो क्रूशियल इन अदर बेक्ड गुड लाइक पेस्ट्रीज एंड केक्स। कह रहे हैं यीस्ट की जो ये एबिलिटी है कि वो गैस प्रोड्यूस कर सकता है ये इंपॉर्टेंट है बाकी भी बेक्ड गुड्स में लाइक पेस्ट्रीज में केक्स में। नेक्स्ट इज जीनेटिक रिसर्च मॉडल। यीस्ट स्पेशली
Saccharomyces cerevisiae serve as a valuable model organism in genetic research. कह रहा है कि जो Saccharomyces cerevisiae है ये एक वैल्यूएबल मॉडल ऑर्गेनिज्म है जेनेटिक रिसर्च में. इट्स सिंपल एंड वेल करेक्टराइज्ड जीनोम अलॉन्ग विद इट्स सिमिलैरिटीज टू ह्यूमन जीनोम ह्यूमन जीन्स मेक इट एन आइडियल सब्जेक्ट फॉर स्टडिंग जीनेटिक्स सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस लाइक म्यूटेशन जीनेटिक रिकम्बिनेशन एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. कह रहा है इसका सिंपल और वेल करेक्टराइज्ड जीनोम होने के साथ साथ जो ह्यूमन जीन्स के साथ सिमिलैरिटी है इसकी वजह से एक आइडियल ऑर्गेनिज्म है जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए सेल बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस लाइक म्यूटेशंस को स्टडी करने के लिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को स्टडी करने के लिए एंड लॉज ऑफ सेग्रीगेशन को स्टडी करने के लिए. नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी. यीस्ट इज यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस टू प्रोड्यूस एंजाइम्स बायोफ्यूल्स एंड फार्माक्यूटिकल्स. उसके अलावा ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूज होता है एंजाइम्स बनाने के लिए बायोफ्यूल्स बनाने के लिए एंड फार्माक्यूटिकल्स बनाने के लिए. फूड प्रोडक्शन. यीस्ट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फूड आइटम्स इंक्लूडिंग चीज योगर्ट एंड सोय सॉस. उसके अलावा बहुत सारी जो फूड आइटम्स हैं लाइक चीज योगर्ट एंड सोय सॉस उसमें बनाने में भी यीस्ट यूज होता है. नेक्स्ट देखिए हमें एक टेबल दिया हुआ है टेबल 7.6 एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई की. कुछ एंटीबायोटिक्स दी हुई हैं जो हम फंजाई से लेते हैं. नेम ऑफ फंगस एंड एंटीबायोटिक ऑब्टेन. फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम एंटीबायोटिक पेंसिलीन. नेक्स्ट इज स्टेप्टोमाइसिस ग्राइसिस स्टेप्टोमाइसिन. नेक्स्ट इज स्टेप्टोमाइसिस ओरोफेसियंस टेट्रासाइक्लिन. स्कैरोस्पोरा एरिथ्रिया एरिथ्रोमाइसिन एस्पर्गिलस फ्यूमागेटस फ्यूमिगेटिन. नेक्स्ट इज म्यूचुअलिज्म लाइकन एंड माइकोराइजा. म्यूचुअलिज्म इज एसोसिएशन इन विच बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिट. अच्छा बच्चों जो डिफरेंट तरह की जो एसोसिएशन होती है ना उसमें म्यूचुअलिज्म हो सकती है लाइक पैरासिटिज्म हो सकती है. तो म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन है मतलब जिसमें दोनों जो पार्टनर्स एक दूसरे को क्या बेनिफिट दे रहे हैं. द टू की म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन फॉर्म्ड बाई फंजाई आर लाइकन्स एंड माइकोराइजा. कह रहा है कि दो जो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है जो फंजाई बनाते हैं वो है लाइकन्स एंड माइकोराइजा. तो सबसे पहले हम लाइकन्स को डिस्कस करेंगे. लाइकन्स. लाइकन्स आर एसोसिएशन बिटवीन फंगस मोस्टली एस्कोमाइकीट एंड इम्परफेक्ट फंजाई एंड अ फ्यू बैसिडियोमाइकीट्स अ साइनोबैक्टीरियम अ ग्रीन एल्गा. कह रहा है कि जो लाइकन्स है बच्चों ये एसोसिएशन है एक फंगस के बीच में और एक साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन एल्जी के बीच में. ठीक है. द टॉप लेयर कंपोज्ड ऑफ रेजिलिएंट फंगल हाइफी इज थिन. कह रहा है कि जो टॉप लेयर होगी उसके पास रेजिलिएंट फंगल हाइफी होंगे और थिन होंगे. इन मिडल फंगल हाइफी इंटरवाइन विद फोटोसिंथेटिक सेल व्हाइल द बॉटम लेयर कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड फंगल हाइफी that facilitate nutrients transfer within the fungus. Traditionally, lichens were thought to have mutualistic relationship with fungus gaining nutrients from algal cells and algae receiving protection from drying out. कह रहा कि traditionally ये सोचा जाता था कि जो lichens जो है ना उनका mutualistic relationship है क्योंकि जो फंगस है वो सोचा जाता था कि जो फंगस है वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं एलजी से और जो एलजी है उनको इंटरनल प्रोटेक्शन मिल रही है ड्राइंग आउट से. हाउएवर रिसेंट रिसर्च सजेस्ट दैट लाइकन एसोसिएशन में इन्वॉल्व्ड अ कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ पैरासिटिज्म बाय फंगस एलजी सेल्स. लेकिन रिसेंट रिसर्च ये भी बताती है कि जो लाइकन एसोसिएशन है इसमें कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ पैरासिटिज्म भी है बाय फंगस ऑन एलजी सेल्स. ये बच्चे एक नीचे देखें फिगर दी हुई हमारे पास फिगर 7.19 अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइकन. ये देखिए हमारे पास एस्कोकार्प ऑफ फंगस है देन फंगल हाइफी एंड एल्गल लेयर है. ठीक है एल्गल सेल्स एंड फंगल हाइफी. नेक्स्ट इज माइकोराइजा. माइकोराइजा रिप्रेजेंट म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप बिटवीन सॉइल फंजाई एंड रूट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ प्लांट. अच्छा बच्चों ये जो माइकोराइजा एसोसिएशन है ये है बिटवीन फंजाई एंड प्लांट रूट्स के जो प्लांट्स की रूट्स हैं उनमें और साइल फंजाई के बीच में. दिस एसोसिएशन अक्कर इन 95% ऑफ ऑल फैमिली ऑफ हायर प्लांट्स. कह रहा है हायर प्लांट्स के जितने भी 95% फैमिलीज हैं
उन सब में ये जो एसोसिएशन पाई जाती है। फंगल हाइफी प्ले इंपॉर्टेंट रोल बाय इंक्रीजिंग सॉइल कॉन्टैक्ट एंड सरफेस एरिया, एडिंग इन डायरेक्ट अपटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक फास्फोरस, जिंक एंड कॉपर फ्रॉम सॉइल इनटू रूट। क्या के जो फंगल के हाइफी होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल कॉन्टैक्ट इंक्रीज करने में और सरफेस एरिया इंक्रीज करने में, और हेल्प करते हैं प्लांट को कि वो डायरेक्ट अपटेक कर ले एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को लाइक फास्फोरस को, जिंक को, कॉपर को सॉइल से। ठीक है, प्लांट्स होस्टिंग माइकोराइजा टेंड टू ग्रो सक्सेसफुली मोर देन दोस विदाउट दीज पार्टनरशिप्स। कह रहा कि ऐसे प्लांट्स जो माइकोराइजा एसोसिएशन होस्ट कर रहे होते हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं एज कम्पेयर टू दोस विदाउट दीज पार्टनरशिप। माइकोराइजा कम इन टू प्राइमरी टाइप्स ईच विद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, कह रहा है माइकोराइजा भी दो टाइप्स की होती है और दोनों की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले यहाँ ऊपर देखिए साइड पे फिगर 7.20 माइकोराइजा बताया हुआ है। ये देखिए मशरूम फ्रूटिंग बॉडी है और ये जो प्लांट है उसकी रूट्स में उसमें देखिए एसोसिएशन है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए टू टाइप्स ऑफ माइकोराइजी, एंडोमाइकोराइजा एंड एक्टोमाइकोराइजी। एंडो मींस होता है इनसाइड, दिस फंजाई पेनिट्रेट प्लांट रूट स्पेसिफिकली द आउटर सेल फॉर्मिंग कॉइल्स स्वेलिंग एंड टाइनी ब्रांचेस while also extending into surrounding soil। कह रहा है ये वाले जो फंजाई है ना ये प्लांट्स रूट में पेनिट्रेट कर जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर चले जाते हैं, खास करके आउटर जो रूट के आउटर सेल्स हैं उनमें कॉइल्स बना लेते हैं, स्वेलिंग्स बना लेते हैं और टाइनी ब्रांचेस बना लेते हैं विच एक्सटेंड इन टू सराउंडिंग सॉइल। एक्टोमाइकोराइजी, दिस फंजाई क्रिएट अ प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड द रूट ग्रोइंग बिटवीन सेल वॉल्स, दे आर टिपिकली एसोसिएटेड विद ट्रीज लाइक पाइंस एंड फिर्स। कह रहा है कि ये जो है ना ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं रूट के बाहर और ये सेल वॉल्स के बीच में ग्रो करते हैं और ये एसोसिएटेड होते हैं ट्रीज लाइक पाइंस में और फिर्स में। बच्चों नीचे देखे फिगर 7.21 में एंडोमाइकोराइजी शो किया हुआ है। ठीक है, ये देखे फंगल हाइफी विद इन द कॉटेक्स सेल ऑफ द होस्ट। ठीक है, एंड फिगर 7.22 में एक्टोमाइकोराइजी शो किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए फंगल हाइफी है एंड एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजल शीट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एडिबल फंजाई, इन द ओरिएंट एस्पर्गिलस टमेरी एंड अदर इम्परफेक्ट फंजाई आर यूज्ड इन द ओरिएंट टू प्रोड्यूस सोया सॉस बाय फर्मेंटिंग सोयाबीन्स। कह रहे हैं ये जो एस्पर्गिलस टमेरी है और बाकी जो इम्परफेक्ट फंजाई है ये यूज किए जाते हैं सोया सॉस प्रोड्यूस करने के लिए। अमंग बेसिडियोमाइकोट्स there exist approximately 200 varieties of edible mushroom primarily agaricus alongside about 70 potentially poisonous ones often referred to as toad stools। कह रहा है कि जो हमारे पास basidiomycotes group है phylum है उसके अंदर तकरीबन 200 varieties है edible mushrooms की। ठीक है, कि जिनको हम खा सकते हैं जिसमें mainly agaricus है, उसके साथ साथ 70 पॉइजनस भी हैं जिनको हम टोड स्टॉल्स कहते हैं। सम एडिबल मशरूम्स आर कल्टीवेटेड फॉर कमर्शियल पर्पस, कुछ जो एडिबल मशरूम्स हैं जिनको हम खाते हैं उनको हम कमर्शियल पर्पस के लिए भी कल्टीवेट करते हैं। ये बच्चों देखें फिगर 7.23 ट्रफल फंजाई शो किया हुआ है और फिगर 7.24 में मैनिटा शो किया हुआ है। नोटेबली चिला एस्कुलेंटा रिजेंबलिंग मशरूम्स एंड ट्रफल्स नॉन फॉर देयर subterranean fruiting bodies belong to ascomycetes। edible and poisonous mushrooms can look very much alike and may even belong to the same genus। kya hai bachcho jo edible mushrooms hain jinko hum kha sakte hain aur jo poisonous hain wo dekhne mein ek jaise bhi ho sakte hain aur same genus se bhi belong kar sakte hain। there is no simple way to tell them apart, they must be identified by an expert। acha koi simple way nahi hai ki jise hum inme difference kar sakte hain, डिफरेंस कराने के लिए हमें एक एक्सपर्ट चाहिए। सम ऑफ द डेडलीस्ट मशरूम्स फॉल अंडर द अमेनिटा जीनस, कुछ जो डेडलीस्ट मशरूम्स हैं वो आते हैं अंडर अमेनिटा जीनस में। एप्टली नेम्ड डिस्ट्रॉइंग एंजल, जिनको हम डिस्ट्रॉइंग एंजल भी कहते हैं, अमेनिटा वेरोसा एंड डेथ कैप अमेनिटा फ्लॉइड्स। कंजप्शन ऑफ अ सिंगल मशरूम फ्रॉम इधर स्पीशीज कैन बी फेटल। कह रहे अगर हम सिंगल मशरूम भी कंज्यूम करते हैं खाते हैं इनकी इनमें से किसी भी स्पीशीज का वो फैटल हो सकता है यानी डेथ कॉजिंग, व्हाइल सर्टेन मशरूम्स कैन इंड्यूस इंटॉक्सिकेशन एंड
हलूसिनेशंस व्हेन इंजेस्टेड, और कुछ जो है वो इंटॉक्सिकेशन कॉज करते हैं जब हम उनको इंजेस्ट खाते हैं। ठीक है, ये आप साइड पे देखें फिगर 7.25 जैक ओ लैंटर्न जो किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास इकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ फंजाई। फंजाई आर इकोलॉजिकल पावर हाउसेस इन्फ्लुएंसिंग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, प्लांट हेल्थ, सॉइल फॉर्मेशन एंड इवन द बैलेंस ऑफ प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शन। कह रहा है कि ये इकोलॉजिकल पावर हाउस है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट साइकिल को भी इन्फ्लुएंस या इफेक्ट करते हैं, प्लांट हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन को एंड बैलेंस ऑफ प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। देयर रोल इन इकोसिस्टम इज इंट्रिकेट एंड मल्टीफेसिटेड, हाइलाइटिंग देयर सिग्निफिकेंस इन मेंटेनिंग द हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। कह रहा है कि उनका जो रोल है इकोसिस्टम में वो मल्टीफेसिटेड है। ठीक है, यानी मल्टीपल रोल्स हैं इनके और इनकी ये सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है इन मेंटेनिंग हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल डिकम्पोजर्स एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। फंजाई सर्व एज नेचर रिसाइक्लर्स, ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर सच एज फॉलन लीव्स एंड वुड, रिटर्निंग वाइटल न्यूट्रिएंट्स टू द इकोसिस्टम। कहा कि जो फंजाई ये नेचर्स के रिसाइक्लर्स के तौर पे काम करते हैं, ये क्या करते हैं कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है लाइक जो फॉलन लीव्स, जो पत्ते गिर जाते हैं या वुड, उसको ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको दोबारा इकोसिस्टम में भेज देते हैं। दिस डिकम्पोजिशन प्रोसेस इनरिचेस सॉइल एंड सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। अब ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है ये सॉइल को इनरिच करता है और प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है, यानी जब वो डिकम्पोज करते हैं तो सॉइल में भी न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं तो वो सॉइल फर्टाइल हो जाती है, उसमें प्लांट ग्रोथ अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट है माइकोराइजल पार्टनरशिप्स। माइकोराइजल फंजाई फॉर्म म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद प्लांट, इन्हांसिंग न्यूट्रिएंट अपटेक एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल इकोसिस्टम हेल्थ। जो माइकोराइजल फंजाई हैं वो बेनिफिशियल रिलेशनशिप बनाते हैं प्लांट्स के साथ, वो क्या करते हैं न्यूट्रिएंट अपटेक को इन्हांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं और ओवरऑल जो इकोसिस्टम हेल्थ है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रीडेटर एंड सॉइल इकोसिस्टम। प्रीडेटरी फंजाई रेगुलेट पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एंड कम्पीट विद बैक्टीरिया, शेपिंग माइक्रोबियल कम्युनिटीज इन सॉइल। जो प्रीडेटरी फंजाई हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करती हैं, वो उन बैक्टीरिया के साथ कम्पीट करती हैं और जो माइक्रोबियल कम्युनिटीज है सॉइल में उनको शेप करती हैं। नेक्स्ट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्लूटेन डिग्रेडेशन। फंजाई प्ले अ रोल इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स इन एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग प्लूटेन डिग्रेडेशन। अच्छा, उसके अलावा जो फंजाई है ये कंपाउंड्स जो एनवायरनमेंट प्रेजेंट है उनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन में भी रोल प्ले करते हैं, लाइक प्लूटेन की डिग्रेडेशन में भी। नेक्स्ट इज कार्बन साइक्लिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। फंजाई लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन एंड कंट्रीब्यूट टू ह्यूमस फॉर्मेशन, एनरिचिंग सॉइल स्ट्रक्चर एंड सपोर्टिंग डाइवर्स इकोसिस्टम। कह रहा है कि जो फंजाई है ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन और क्या ह्यूमस फॉर्मेशन करते हैं जिससे सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, एनरिच होता है और सपोर्ट करते हैं डाइवर्स इकोसिस्टम को। नेक्स्ट इज पैथोजेनिक रोल ऑफ फंजाई। फंजाई आर पॉजिटिव एजेंट ऑफ मेनी प्लांट एनिमल ह्यूमन डिजीजेस, अ फ्यू आर डिस्कस्ड बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल रोल ऑफ फंजाई इन प्लांट डिजीजेस। फंजाई कैन कॉज सीरियस डिजीजेस इन प्लांट्स इंक्लूडिंग एपिडेमिक डिजीजेस दैट कैन डिस्ट्रॉय कंप्लीट क्रॉप्स। कह रहा है कि ये प्लांट्स में सीरियस डिजीज काज कर सकते हैं लाइक एपिडेमिक डिजीज जो कि कंप्लीट क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। दिस टाइनी ऑर्गेनिजम्स थ्रेटन ऑल क्रॉप्स एंड ट्री। कह रहा है ये जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं इन्होंने थ्रेट किया हुआ है तमाम क्रॉप्स को और ट्रीज को। दे क्रिएट प्रॉब्लम्स लाइक लीव स्पॉट, विल्टिंग एंड रॉटिंग। ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं प्लांट्स के लिए लाइक लीव स्पॉट्स, विल्टिंग एंड रॉटिंग। सम कॉमन प्लांट डिजीजेज कास्ड बाय एस्कोमाइकीट्स आर पाउडरी मिल्ड्यू, चेस्टनट ब्लाइट, डच एल्म डिजीज, एप्पल स्कैब एंड ब्राउन रॉट विच अटैक चेरीज, पीचीज, प्लम्स एंड एप्रिकॉट्स। डिजीजेस कॉज्ड बाय बेसिडियोमाइकोट्स इंक्लूड स्मट्स एंड रस्ट दैट अटैक अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट, फॉर एग्जांपल द सीरियल क्रॉप्स लाइक वीट एंड कॉर्न। नेक्स्ट पेज भी देखें बच्चों, हम एक फिगर दी हुई है फिगर 7.26, ब्राउन रॉट ऑफ पीचीज, मोनोलिना फ्रूटिकोला एंड एस्कोमाइकीट एंड फिगर 7.27 में इन्फेक्शन ऑफ राय, क्लेविसेप्स प्रोपीरिया सेक फंजाई।
Next is role of fungi in animal diseases. Fungal diseases in animals, including humans, are diverse and can range from mild skin infection to severe systematic illness. कह रखे जो फंजाइल डिजीजेज होती हैं एनिमल्स में और ह्यूमंस में, ये डाइवर्स हैं और ये रेंज करती हैं माइल्ड यानी नॉर्मल स्किन इन्फेक्शन से सीवियर सिस्टमेटिक इलनेसेस भी हो सकती हैं. सम फंजाई काज सुपरफिशियल इन्फेक्शन इन विच नॉट ओनली स्किन हेयर आर नेल्स आर इन्फेक्टेड. अगर कुछ फंजाई ने वो सुपरफिशियल इन्फेक्शन काज करते हैं जिसमें सिर्फ स्किन हेयर और नेल्स इन्फेक्ट होते हैं. रिंग वॉर्म माइक्रोस्पोरियम Odonai and athlete's foot, tinea pedis are example of such diseases. Candidiasis is caused by candida yeast and can produce infections in humans such as oral thrush. In animals, it can lead to conditions like skin and ear infection. Other fungi cause systematic infections that infect internal tissues and organs and may spread throughout body. कुछ जो fungi हैं वो systematic infections cause करते हैं और वो स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी. हिस्टोप्लास्मोसिस इज कॉज्ड बाय इनहेलिंग स्पोर्स ऑफ हिस्टोप्लाज्मा फंगस इज अ सीरियस इन्फेक्शन ऑफ लंग्स. कहके जैसे हिस्टोप्लाज्मा है ये कैसे कॉज होती है, जब हम स्पोर्स इनहेल करते हैं हिस्टोप्लाज्मा फंगस के. एस्पर्जिलोसिस कॉज्ड बाय एस्पर्गिलस फ्यूमिगेटस इज अ रेस्पिरेटरी फंगल इन्फेक्शन सीन इन बर्ड्स पार्टिकुलरली पैरट्स. कैन ऑल्सो इफेक्ट ह्यूमंस विद वीकेंड इम्यून सिस्टम. सम स्ट्रेन्स ऑफ Aspergillus flavus produce aflatoxin, a cancer-causing mycotoxin in properly stored grain of peanut, corn, etc. क्या है जो कुछ strains हैं ना aspergillus के, ठीक है, वो क्या aflatoxin produce करते हैं जो कि cancer-causing mycotoxin है, ठीक है. Ergotism is caused purple ergotry. It causes nerve spasm, convulsion, psychotic delusion, even gangrene. Pneumonocystis pneumonia PCP is caused by fungus Pneumonocystis jirovisae and mainly affects individual with weakened immune system such as those with HIV or AIDS. So students, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.